ये हैरेसमेंट और हैरेसमेंट और सिर्फ हैरेसमेंट है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूँ यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए नज़र डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, इस देश में अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं तो ठीक है, अगर आप बहुत पैसे वाले नहीं हैं तो फिर आपको बहुत तकलीफें सहनी पड़ेगी। ये शायद हमारे देश का अभी जो कानून बनाया गया है उसमें ऐसा शायद लिखा गया है, क्योंकि जो कई कानून है वो सिर्फ और सिर्फ मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए है। यहाँ एक मामला ऐसा है, अभी हमारे साथ एक वरिष्ठ नागरिक है मोहम्मद रफीक जी, हम इनसे बात करेंगे, आपको बताएंगे इनकी क्या समस्या है। लेकिन उसके पहले आपको बताता हूँ कि जो मैंने ये बात कही कि मध्यम वर्गीय परिवार और जो काफ़ी पैसे वाले हैं रईस, उसमें क्या फ़र्क है, और कानून की मैंने बात कही। हालांकि एक बार आपको ये भी बता दूं कि कानून में सबको समान माना गया है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन वर्तमान में जो चल रहा है वो भेदभाव ये है कि आम आदमी, एक छोटा आदमी अपनी बाइक लेकर कहीं जाता है और वो कहीं खड़ी करता है तो उसके साथ में ट्रैफिक वालों का क्या व्यवहार रहता है, और वही व्यवहार क्या बड़े बड़े पैसे वाले, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों वालों के साथ रहता है कि नहीं, ये मेरा सवाल है। अब ये सवाल क्यों है मैं आपको बताऊंगा। ये रफ़ीक जी है, इनकी गाड़ी अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले इन्होंने कहीं पे पार्क की थी, वहाँ से 15 दिन पहले, हाँ मैं आपसे बात करता हूँ, अभी हाल ही में इनकी गाड़ी थोड़े दिनों पहले कहीं पे पार्क की थी। वसई विरार में कहीं पे भी पार्किंग की जगह नहीं है, आप सभी जानते हैं, हमको मजबूरी में गाड़ी यहाँ वहाँ पार्क करना पड़ता है, और हर बार हम जब गाड़ी पार्क करते हैं तो बिना किसी सिक्योरिटी के पार्क करते हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं है। उसके बावजूद ऐसा होता है, ट्रैफिक की मजबूरी बताकर गाड़ी को उठा दिया जाता है, गाड़ी उठाने में भी स्कैम है, ट्रैफिक पुलिस अपनी कार्रवाई करती है, 500 रुपया अपना चार्ज मारती है, और वहीं एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को रखा हुआ है जो 200 रुपया अपना चार्ज मारता है। जब अगर गवर्नमेंट 500 रुपया चार्ज कर रही है तो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को रखने की ज़रूरत क्या है, ये समझ से परे है। क्यों आम आदमी की जेब पर बोझ डाला जाता है, ये सवाल बड़ा है। तो हम बात कर रहे थे कि इनकी गाड़ी, अब सवाल मैं वापस अपनी वही बात पे आता हूँ, लौटता हूँ कि जहाँ से जिस जगह से इनकी गाड़ी उठाई गई वो क्षेत्र ऐसा है जहाँ कहीं एक दो नहीं, दस नहीं, पचासों गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ पड़ी रहती है बिक्री के लिए, गाड़ियाँ वहाँ बिक्री का बोर्ड लगाकर गाड़ियाँ पड़ी होती है, पार्क की गई होती है, उनसे कभी ट्रैफिक को अड़थड़ा नहीं होता है, उनके ऊपर ट्रैफिक की कभी कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन एक बाइक ज़रूरतमंद जब घर से निकलता है अपने कुछ काम को निपटाने के लिए और वो बाइक यहाँ वहाँ कुछ समय के लिए खड़ी कर देता है तो तुरंत उनकी गाड़ी उठा दी जाती है। रफ़ीक जी से बात करते हैं, फिर मैं अपनी बात को कंटिन्यू करता हूँ। रफ़ीक जी, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या आपकी दिक्कत बताइए। ये 15 दिवस अगोदर माझी बाइक ॲक्टिवा सरोजी जिम खालीहून घेऊन गेलेले, मी सरोजी जिमला वर्कआउट करायला गेलेलो तेव्हा तिकडे नो पार्किंग कुठेच नव्हती, तिकडून घेऊन गेलेलं, तो लगेच मी 2 तास नंतर गाडी सोडून घेतलं, 900 रुपये घेतले फाईन, 700 आणि 200 900 रुपये आपसे फाईन लिया, किस चीज का फाईन लिया, क्या था उसमें आपको पावती दिया? पावती दिया 700 का एक पावती और एक 500-200 का पावती टाउन वाले का। अच्छा, अभी आपको क्या दिखा? अभी कल मेरा बाइक कॉस्मोस के नीचे से लेके गए, जो मैं एक फुटपाली पे अलग रखा था, एकदम जहाँ रास्ते पे नहीं था, मुझे कुछ को भी अड़थला नहीं था, उधर मैंने रखा था, मैंने ये पिक रखा है, ये मेरा बाइक उधर था, और कल 7 बजे तलक उठाया है, और मैं रात को तो बंद हो गया था, मैं अभी सुबह आया तो सुबह मुझे अभी बाइक मिला है, लेकिन 500 और 200, 700 रुपया फाइन लगाया अभी। तो पिछली बार 900 लिया, इसकी बार 700? पिछली बार 900 लिया। ऐसा क्यों, आपने पूछा क्या? पूछा तो वो बोला 200 रुपया आपका पहले का कुछ था, ऐसा बोल रहा है, समझे? हाँ, अभी 500 लिया और टॉविंग वाला ने 200 लिया, और मैंने यही बोला कि मेरा ये जो पार्किंग तिकड़े नो पार्किंग का बोर्ड कुठेच नव्हता, जे तिकडे मी जेव्हा पार्क केलेला इथं तेव्हा नो पार्किंग का बोर्ड तिकडे कुठेच नव्हता, मग कुठं पार्किंग करायचं आम्ही? अच्छा, आपने जहाँ से गाड़ी, आपकी गाड़ी जहाँ से उठाई गई वहाँ पे बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ी पड़ी रहती है? सामने लग्जरी गाड़ी बहुत थी और बाइक बहुत सारा रखा था कॉस्मोस के सामने ही, बिल्कुल सामने कॉस्मोस के सामने, बिल्कुल बाइक भी था गाड़ी भी था। आपने ये सवाल नहीं पूछा कि आप बड़ी गाड़ी पे कार्रवाई नहीं करते? नहीं, बड़ी गाड़ी पे तो कोई कार्रवाई नहीं होते हैं, सिर्फ बाइक वाले को लेके जाते हैं बोलते हैं, समझे? तो ये रफ़ीक जी ने अपनी बात बताई, इन्होंने कहा कि इनकी गाड़ी जिस जगह पड़ी थी, जहाँ कहीं भी थी, अगर ये फॉल्टी है, इनके ऊपर अगर फाइन हुआ है तो इन्होंने फाइन भरा भी है,
सवाल यहाँ फाइन का नहीं आ रहा है, सवाल यहाँ आम आदमी की परेशानी का नहीं है, सवाल यहाँ ये आ रहा है क्या कायदे कानून दो है, क्या मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत गरीबों को या मध्यम वर्गीय परिवार को अलग नज़र से देखा जाता है और उच्च जो हाई लेवल लोग हैं उनको अलग नज़र से देखा जाता है। ये तो बात हुई रोड पर गाड़ी पार्किंग की, अब इसी बात में हम ये अगर ऐड कर दें कि कभी भी रास्ते में जाते हुए जब पुलिस की चेकिंग भी होती है ट्रैफिक पुलिस की, तब भी किसी फोर व्हीलर को नहीं रोका जाता है, हर बार एक टू व्हीलर को ही रोक के उसी के कागजात मांगे जाते हैं। तो क्या हमेशा हर टू व्हीलर पर चलने वाला इंसान फॉल्टी है, क्या फोर व्हीलर में हमेशा चलने वाला सही है, ये सवाल है। और अक्सर बार ऐसा देखा जाता है अक्सर बार कि जब कोई क्राइम होता है तो बंदा क्राइम करके जाने वाला फोर व्हीलर का इस्तेमाल करता है और वो आराम से निकल जाता है, तब कभी नाकाबंदी में अगर वो पकड़ा गया नहीं तो वो आराम से निकल जाता है। ऐसे में हैरेसमेंट होता है आम आदमी को, और जो घर से अपना काम करने निकला है रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए दो पैसा गुजारा करने निकला है उसको, आज इनकी बात करो तो एक महीने में इन्होंने दो बार, एक बार 900 रुपया और आज 700 रुपया 1600 रुपया इन्होंने फाइन सिर्फ भरा है। अब क्या पेट्रोल गाड़ी चलाकर जाना आना कहीं पे गुनाह है? इनका पेट्रोल का खर्च, इनका आय और व्यय का अगर हिसाब लगाया जाए तो आम आदमी खाएगा क्या, करेगा क्या? सिर्फ महानगर पालिका हो या पुलिस प्रशासन हो या कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट हो, उनको अपनी आय का पैसा जो टैक्स भर रहा है उसके बावजूद क्या इस तरह से फाइन भरता रहेगा? ये सवाल बड़ा है। तो कहीं ना कहीं इन जनता के मामलों को आला अधिकारियों को ध्यान में देना चाहिए और इस तरह के मामलों पर। और एक सवाल यहाँ ये भी है कि अगर हाल ही में किसी पर कार्रवाई हुई है तो उनको दोबारा कुछ दिनों के लिए छूट भी दी जानी चाहिए, क्योंकि ये हैरेसमेंट और सिर्फ हैरेसमेंट है। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। वसई से यूसुफ अली। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।